मेरठ में एक बार फिर कोरोना का असर बढ़ा है। जो लोग विदेश से आए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, खुद सीएमओ मेरठ लगे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग पॉजिटिव आने की बात सामने आ रही है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में जो कॉलोनी है उसमें लोग मिले हैं और उसको सील किया जा रहा है। वहां पर चेकिंग भी कर दी गई है शुरू, इसके अलावा टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक साथ ही स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ खुद सीएमओ और जिले के मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर ये जो दूसरा वायरस आया है ये क्या है और इससे कैसे बचा जाएगा, और लोगों में जो पैनिक इस समय फैल रहा है लोगों को क्या सावधानियां बरतनी होंगी। सर सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया में। सर ये बताइए, जो इस बार जो विदेश से लोग आ रहे हैं कितने लोग आए हैं और किन को अब लग चिन्हित किया है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? इंग्लैंड से पिछले कुछ दिनों के अंदर 84 लोग मेरठ शहर में आए हैं, जिसमें 8 तारीख से पहले 40 मरीज थे, मरीज कहना गलत होगा, लोग थे, और 8 तारीख के बाद कुल मिला के 44 लोग मेरठ शहर के हैं। उसमें से 32 लोग मेरठ शहर के अंदर मौजूद हैं, 10 लोग अन्य जगह के थे जिनका एड्रेस यहाँ का था। हम सब 2 लोग यहाँ पे आके वापस चले गए हैं। हम सब लोगों के साथ जो मेरठ शहर के भी हैं और बाहर भी चले गए हैं या वापस चले गए हैं, उन सब के साथ संपर्क में हैं। कोई भी व्यक्ति सिम्टोमेटिक नहीं है, किसी के अंदर सिम्टम्स नहीं हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये नहीं कह सकते हम कि ये कोरोना का वायरस ब्रिटेन से आ गया है। हम एहतियात पूरा कर रहे हैं, एहतियात हमारी जो तैयारी है वो पूरी है, जिससे कि किसी तरह से अगर 0.001% भी अगर ब्रिटेन का जो वायरस ये निकलता है तो वो कंटेन हो जाए। इनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके सैंपल लिए जा चुके हैं, सबकी टेस्टिंग चल रही है, और फैलने की गुंजाइश अगर 0.01% भी होता है तो ना के बराबर है। हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो हमारे डिपार्टमेंट से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। भय की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट नगर में लोग मिले हैं और इसको लेकर के रात ही डीएम साहब ने मीटिंग भी की है, तो उन लोगों को कैसे, वहाँ पर जो लोग हैं उनको कैसे समझाया जा रहा है? टेस्टिंग भी शुरू की गई, हम देख करा रहे हैं। जो जितने भी लोग विदेश से आए थे उन सबको क्वारंटाइन, स्पेशल क्वारंटाइन सेंटर्स में सुभारती मेडिकल कॉलेज और आनंद में शिफ्ट किया जा रहा है। 2 हमने स्पेशल वार्ड्स इनके लिए बनाए हैं, बिल्कुल अलग सेग्रीगेट और अन्य कोविड मरीजों से अलग रखा जाएगा, और इनसे संबंध जो भी इन लोगों के कांटेक्ट में आए सब लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और सबकी टेस्टिंग की जा रही है। सर आखिरी सवाल ये है, जो कोरोना वायरस का पार्ट 2 बताया जा रहा है, ये क्या है और क्या इसमें डिफरेंस है कोरोना और उसमें? इसकी सीवियरिटी जो लिटरेचर में और जो मीडिया से और जो हमारे डेटा ऊपर से मालूम पड़ा है हमारे को, कि अभी कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ये जो उससे कहते हैं स्ट्रेन थोड़ा डिफरेंट है, तो हमारे को स्ट्रेन को कंटेन करना है अगर ये भारत में आता है तो। बिल्कुल, खास तौर से जो इंस्ट्रक्शन आगे से मिल रहे हैं उसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है मेरठ वालों के लिए कि मेरठ के अंदर जो लोग बाहर से आए थे उनको चिन्हित किया गया है, उनको जो लोग क्वारंटीन होने थे उनको क्वारंटीन किया गया है, और सभी के संपर्क में जो लोग आए थे उनको भी क्वारंटीन या उनकी जांच की जा रही है। सबसे अच्छी बात यही है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार तत्पर हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। देर रात भी डीएम के बालाजी ने मीटिंग की और इंस्ट्रक्शन दिए, जिसके बाद अब लगातार जो कोशिश थी वो जारी है। ऐसे में उम्मीद हम भी ये करते हैं कि ये जो स्ट्रेन आया है ये ना फैले, और लोगों में जो पैनिक फैल रहा है लोग ऐसा पैनिक ना फैलाएं, केवल मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। मेरठ से अपने सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।